दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउस रेवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के बाद 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, मनीष सिसोदिया तुझे सलाम के पोस्टर लेकर की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की रिहाई की मांग की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी, बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा आपके करप्ट चोर मचाएं शोर। फिर से हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के साथ की मीटिंग, विपक्षी कई नेता काले कपड़े पहनकर बैठक में पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की हुई बैठक, मीटिंग में सोनिया गांधी समेत कई नेता हुए शामिल। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, राहुल के मुद्दे पर संसद में बहस करवाने की मांग। नालंदा और सासाराम हिंसा पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप। बिहार विधानसभा से बीजेपी विधायक को किया गया मार्शल आउट, मार्शलों ने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को किया बाहर। बिहार विधानसभा में हंगामे पर बोले नीतीश कुमार, जानबूझकर माहौल खराब किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, कहा दो लोग इधर उधर कर रहे, जल्द सामने आएगा सच। बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा बिहार में हिंसा कराई गई। सासाराम और बिहार शरीफ पर बोले नीतीश कुमार, साजिश के तहत बिहार में कराई गई हिंसा। ओवैसी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, नीतीश ने इशारों इशारों में ओवैसी को बीजेपी का बताया एजेंट। नालंदा और रोहतास में हिंसा के बाद बोली राबड़ी देवी, कहा बीजेपी के लोग करवाते हैं दंगा। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा ये लुटेरों की सरकार है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा बंगाल की संस्कृति में हिंसा नहीं, हिंसा के लिए बाहर से लाए गए थे लोग। हनुमान जयंती को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, ममता सरकार को आदेश, जहां पर धारा 144 लागू, वहां से ना गुजरने पाए जुलूस। हनुमान जयंती से पहले गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी की गाइडलाइन, कानून व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। हनुमान जयंती को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, जहांगीरपुरी इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। कांग्रेस फाइल्स के तीसरे वीडियो का टाइटल, कोयले की दलाली में हाथ काला। बीजेपी ने जारी किया कांग्रेस फाइल्स का तीसरा एपिसोड, कोयला घोटाले पर घेरा। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने की महासचिवों के साथ बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। पुलिस की पूछताछ में माफिया अतीक के गुर्गों का बड़ा खुलासा, नौकर की निशानदेही पर चकिया से अवैध हथियार बरामद। राकेश और अहमद ने पुलिस की पूछताछ में उगले कई राज, कहा बरामद हथियार और कैश उन्हें शाइस्ता परवीन ने दिए थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में कोर्ट का बड़ा आदेश, अमीनी सर्वे पर लगी रोक। यूपी में मिशन रोजगार के तहत युवाओं को मिला रोजगार, सीएम योगी ने यूपीपीएससी और यूपीएसएससी द्वारा चयनित अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की मीटिंग, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मिल सकती है मंजूरी। सीएम योगी ने लखनऊ में किया जनता दर्शन, जनता दर्शन में योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट में हुई पेश, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेश। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस ने आधी रात घर से उठाया। बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, नलगुंडा में बम मिला रामाराम पुलिस थाने के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली में प्रधानमंत्री और भूटान नरेश के बीच अहम बैठक, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर हुआ मंथन। मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण से होंगे सम्मानित, अखिलेश यादव ग्रहण करेंगे सम्मान, डिंपल यादव भी रहेंगी मौजूद। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में एवलांश, 60 टूरिस्टों की मौत। गैंगटॉक को नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुआ हादसा, मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। हादसे पर सेना का बयान, 6 पर्यटकों सहित 23 लोगों को बचाया गया, 23 में से 11 की हालत गंभीर, गैंगटॉक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पर्यटकों की मौत पर जताया शोक। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 4,435 नए केस, संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 521 नए मामले, एक मरीज की मौत, 216 लोग हुए रिकवर। यूपी के हरदोई में सीएमओ सहित 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि, सभी को किया गया होम आइसोलेट। मुंबई के कांदिवली में प्री स्कूल में मासूमों को महिला टीचरों ने बेरहमी से पीटा, महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई में फ्लाईओवर के नीचे खेल परिसर का निर्माण, 42 लाख की लागत से स्केटिंग, बैडमिंटन समेत खेल परिसर का निर्माण। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प, पिस्टल दाने बदमाश को ईंट से मारकर पुलिस ने किया काबू। मैक्सिको से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, कल दिल्ली पुलिस ने एफबीआई की मदद से किया था गिरफ्तार। दिल्ली के आजादपुर रेलवे स्टेशन के पास चाकूबाजी, एक युवक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कनाडा से गैंगस्टर गोल्डी बरार ने दी एमएस बिट्टा को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के प्रयागराज में पीडीए की कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला पीडीए का बुलडोजर। प्रयागराज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ निकाला गया ये जुलूस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पार्टी नेता रामगोपाल यादव का पुतला फूंक कर जताया विरोध। लखनऊ के सुशांत गर्ल्स सिटी में एटीएम मशीन काट कर लूट, लुटेरों ने करीब 40 लाख नकदी को लूटा। यूपी के कासगंज में रमजान और हनुमान जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट, सहावर इलाके में भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के फरुखाबाद में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क में तेज म्यूजिक, डांस और फायरिंग का वीडियो, तेज म्यूजिक के साथ युवक ने हवा में की फायरिंग। एमपी के ग्वालियर में युवक ने पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश, एसपी ऑफिस में सुनवाई ना करने पर जताई अपनी नाराजगी। यूपी के टावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 198 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में ननिहालों के जीवन से खिलवाड़, मिड डे मील में कीड़े निकलने पर अभिभावकों ने किया हंगामा।
यूपी के सहारनपुर में उधार के पैसे ना देने पर युवक की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में युवक की पिटाई, लोगों ने खंभे से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा। यूपी के मैनपुरी में शराब पीते पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में हथकड़ी जमीन पर रखी हुई दिखाई दे रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच के अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, कई घटनाओं को अंजाम देने वाला इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एनर्जी घोटाले में 3 आरोपियों को सूरत और कोटा से किया गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ 130 लोगों की शिकायत के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया दर्ज। सूरत में कार सवार ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की लाश के दौरान मौत। अजमेर की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को फिर से जुडिशियल कस्टडी, कोर्ट ने 18 अप्रैल को पेश करने के दिए आदेश। हैदराबाद में विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी, मामले में 3 कुख्यात एजेंट गिरफ्तार। झारखंड के रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ की मशाल रैली। झारखंड के गुमला में 3 स्कूली छात्राओं की तालाब में डूबने से हुई मौत, नहाने के दौरान हुआ ये हादसा। कोच्चि एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग की एआईयू की बड़ी कार्रवाई, 2,10,00,000 रुपए का सोना किया गया जब्त। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, हिंसा में 4 लोग घायल, पुलिस ने 10 उपद्रवियों को किया अरेस्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर रहे बीएसएफ के जवानों का स्वागत, लोगों ने फूलों की वर्षा कर जताई खुशी। राजस्थान के करौली में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी बस, हादसे में कई लोग घायल। इजराइल की यरूशलम की अलक्सा मस्जिद के अंदर झड़प, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेशी के बाद फ्लोरिडा से डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन, कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई, चुनाव में दखल देने की साजिश। ट्रंप बोले 2024 के चुनाव में मुझे रोकने की साजिश, कोर्ट के फैसले से सभी लोग हैरान। ट्रंप ने कहा अमेरिका में इस वक्त सबसे खराब हालात, कई देश परमाणु हमले की दे रहे हैं धमकी। ट्रंप ने कहा विरोधियों को भी लगता है मेरे साथ गलत हुआ, मेरी गलती है कि मैंने दुश्मनों से देश की रक्षा की। ट्रंप ने कहा परमाणु हमले वाले तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, हमारा देश नरक की तरफ जा रहा। ट्रंप ने कहा मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा, हमारे लोगों को जानबूझकर किया जा रहा है टारगेट। पॉर्न स्टार केस में मैनहट्टन कोर्ट में पेश हुए ट्रंप, जूरी ने लगाए 34 आरोप, देना होगा $1,22,000 का जुर्माना। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को देनी होगी रकम, मैनहट्टन कोर्ट ने लगाया डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना। ट्रंप ने कोर्ट के सामने दी दलील, कारोबारी रिकॉर्ड के मामले में खुद को बताया बेकसूर। ट्रंप ने हेराफेरी के 34 मामलों को बताया गलत, कोर्ट में ट्रंप ने कहा नॉट गिल्टी। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत और अमेरिका की वायुसेना का बड़ा अभ्यास, जापान होगा ऑब्जर्वर, कलाईकुंजा एयरबेस पर शुरू होगा 2 हफ्ते लंबा युद्धाभ्यास। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, 3,000 दुकानें जलकर हुई राख। सेना के जवान और करीब 600 फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। पाकिस्तान में लग सकता है मार्शल लॉ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जताई आशंका, इमरान बोले मुल्क के हालात बहुत खराब। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद है।
IPL में आज राजस्थान से पंजाब की टक्कर, गुवाहाटी में खेला जाएगा मैच, दोनों टीमें जीत चुकी हैं एक एक मुकाबला। IPL में गुजरात की लगातार दूसरी जीत, दिल्ली को 6 विकेट से हराया। साई सुदर्शन ने खेली मैच जिताऊ पारी, शमी राशिद ने लिए 3-3 विकेट। दिल्ली ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रनों का दिया था टारगेट, गुजरात ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर हासिल किया लक्ष्य। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड मिलर ने बनाए तेजी से रन, 16 बॉल पर 31 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। IPL में नहीं खेलेंगे शाकिब अल हसन, इंटरनेशनल क्रिकेट और व्यक्तिगत कारणों की वजह से हुए बाहर, कोलकाता ने 1.5 करोड़ में टीम में किया था शामिल। 10 अप्रैल से कोलकाता के साथ जुड़ेंगे लिटन दास, 1 मई तक ही खेलेंगे IPL। श्रेयस अय्यर IPL और WTC फाइनल से बाहर, पीठ की सर्जरी करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान हुए थे इंजर्ड। गुजरात ने केन विलियमसन की जगह श्रीलंकाई ऑलराउंडर दुसुल शनाका को टीम में किया शामिल, सीजन के बाकी मैचों में टीम का हिस्सा होंगे शनाका।